ये बात है हमारे भारत देश की आज़ादी के पहले की। एक मंदिर के कुछ गुप्त दरवाजों को अच्छी तरीके से सील कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि अंदर इंसानों का प्रवेश करना नामुमकिन है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अगर अंदर इंसान नहीं जा सकते तो इन सुरंगों को आखिर बनाए किसने। इस मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में कई कहानियाँ और तर्क मौजूद है। कोई कहता है इस मंदिर को देवताओं ने बनाया, कोई कहता है इस मंदिर को एलियंस ने बनाया, तो कोई कहता है ये मंदिर अपने आप ही यहाँ पर प्रकट हुआ है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या है इस मंदिर में खास जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है? जब आप इस मंदिर के बनावट को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये इंसान का काम तो नहीं लगता। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कई रहस्य और मान्यताएँ प्रचलित है, और उन्हीं रहस्यों में से आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर के नीचे मौजूद एक ऐसे दुर्लभ चीज़ के बारे में जिसके कारण इस मंदिर के उन दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई भी इंसान यहां तक नहीं पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मंदिर स्थित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है, और ये हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। ये मंदिर देखने में जितना अद्भुत नजर आता है, इस मंदिर को बनाने की कला उतनी ही रहस्यमय थी। जितने राज इस मंदिर के साथ जुड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफाओं से जुड़े हैं। आपको इतिहास में इन गुफाओं के बारे में कई बार जिक्र मिल जाएगा, लेकिन इन गुफाओं को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। और इससे ये सवाल उठता है कि कैलाश मंदिर की गुफाओं में ऐसे क्या राज दफन है जिसे सरकार भी लोगों से छिपा रही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, लेकिन कई विशेषज्ञ इस मंदिर को उससे भी कई हजार साल पुराना मानते हैं। इस शिव मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसी कोई भी जानकारियां उपलब्ध नहीं है। इस शिव मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत ही पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को पढ़ा नहीं जा सका। किसी मंदिर या भवन को बनाते समय पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर को बनाने में एकदम अनोखा ही तरीका अपनाया गया। ये मंदिर एक पहाड़ के शीर्ष को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से एक मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीबन 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7,000 मजदूर 150 वर्षों तक काम करे तभी ये मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफ़ी कम समय में, महज 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था। ये तो हो गई शोधकर्ताओं की बात। अब बात करते हैं कि आखिर इस मंदिर को इस तरीके से बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को बनाने का विचार राजा कृष्ण प्रथम की पत्नी को आया था। दरअसल राजा कृष्ण प्रथम को एक गंभीर बीमारी थी, तो उनकी पत्नी ने भगवान शिव से मांगा कि अगर उनके पति की बीमारी ठीक हो जाए तो वो यहाँ पर एक चट्टान को तराश कर एक मंदिर बनवाएंगे, और जब तक वो इस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती वो व्रत रखेगी। उसके बाद राजा कृष्ण प्रथम ठीक हो गए, और जब वो मंदिर बनवाने लगे तो उन्हें बताया गया कि ऐसा मंदिर बनने में सालों लग जाएंगे, आपकी पत्नी इतना लंबा व्रत नहीं रख पाएगी। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव भी उनके इस काम में सहयोग करें। कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें एक अस्त्र दिया जिसे कि भूमि अस्त्र कहते हैं। उसी अस्त्र की सहायता से इस चट्टान पर मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया, और तब इस मंदिर का शिखर कुछ ही दिनों में दिख गया। जो काम मजदूरों द्वारा 200 साल में पूरा होता, वही काम भूमि अस्त्र ने कुछ ही समय में कर दिया। कहते हैं कि ये अस्त्र मिट्टी को भाप बना देता था, और इसीलिए इस मंदिर का निर्माण बहुत ही कम समय में पूरा हो गया। उसके बाद राजा कृष्ण प्रथम ने इस अस्त्र को मंदिर के नीचे की गुफाओं में दफन कर दिया। साल 1876 में इंग्लैंड के हिस्टोरिकल स्पेशलिस्ट एम्मा हेंड्रिक ने अपनी किताब में बताया था कि यह मंदिर इतना बड़ा नहीं है
जितना ये बाहर से दिखता है, बल्कि इन्हीं गुफाओं के नीचे इससे भी एक विशाल निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही कैलाश मंदिर पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मंदिर के नीचे हाई रेडियो एक्टिव है, जिसके कारण ज़्यादा समय नीचे नहीं बिताया जा सकता। अगर सच में ऐसा है तो हो सकता है कि इसमें आज भी वो प्राचीन अस्त्र मौजूद हो जिसकी मदद से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने ऐसे ही प्राचीन जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश शोधकर्ताओं को ही जाने दिया जाता था। इन सब बातों से यही साबित होता है कि कैलाश मंदिर की गुफाओं में आज भी कई राज दफन है जो हम सभी से छुपाया गया। भारत के कई फिलोसोफर और विशेषज्ञ मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की धन संपत्ति को ही नहीं लूटा बल्कि भारत के कई अति विकसित चीज़ों को भी चुराया था। कैलाश मंदिर की इन गुफाओं को भारत की आज़ादी के पहले ही बंद कर दिया गया और आज भी ये पूरी तरीके से बंद है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कैलाश मंदिर के गुप्त दरवाजों के बारे में? इसके अंदर क्या हो सकता है? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।